नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है। उन्होंने किन कारणों के चलते इतना बड़ा कदम उठाया ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस बात में अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कई स्टार्स अपने अपने हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कारणों का अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी थ्योरी को ठोस आधार नहीं दे पा रहा है। वहीं सोनू सूद ने एक लीडिंग न्यूज चैनल से इस बारे में बात की है और उन लोगों पर निशाना साधा है जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सोनू सूद ने कहा है कि बहुत सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही दुखद है। आप सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के बारे में सोचिए, उन पर इस समय क्या गुजर रही होगी। जो लोग सुशांत से कभी मिले नहीं थे वो डिबेट करने बैठ रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनू सूद की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कंगना रनौत पर ही निशाना साधा है। दरअसल सुशांत की मौत के बाद से ही कंगना इस मामले पर खुलकर बात कर रही है, जो कि कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। कई लोगों का मानना है कि कंगना सुशांत के नाम पर राजनीति कर रही है। वहीं कई लोग कंगना का सपोर्ट भी कर रहे हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो सुशांत सिंह राजपूत से कभी मिली नहीं थी, लेकिन उन्हें पता है कि सुशांत किन चीजों से गुजर रहे होंगे। कंगना रनौत के अनुसार, सुशांत सिंह राजपूत और मैं कभी नहीं मिले, लेकिन हम काफी क्लोज थे और वो अंकिता से सुशांत का हालचाल लेती रहती थी। लेकिन अब सोनू सूद ने कंगना का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधते हुए कह दिया है कि जो लोग सुशांत से कभी मिले ही नहीं थे वो डिबेट करने बैठ रहे हैं। सोनू का मानना है कि जो लोग सुशांत पर इस तरह की बातें कर रहे हैं उन्हें चुप बैठ जाना चाहिए। बताते चले कि कुछ दिनों पहले सोनू सूद के फैंस ने कंगना को काफी ट्रोल भी किया था। उनका कहना था कि आउटसाइडर्स पर बात करने वाली कंगना ने सोनू सूद को फिल्म मणिकर्णिका से बाहर कर दिया था। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि सोनू सूद के स्टेटमेंट पर कंगना कैसे रिएक्ट करती है।